हम लोगों को बाल कैसे पसंद होते हैं जो नेचुरली कलर्ड हैं, जो ब्लैक डाइड बाल हैं वो दूर से पता चलते हैं कि डाइड हैं, लेकिन जो नेचुरल हेयर कलर बालों का होता है वो हम प्रोक्योर कर सकते हैं। और हिना वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट मेथड्स है कलरिंग का। हिना को 5000 साल से भी ज्यादा बालों में कलरिंग के लिए, कंडीशनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब बात आती है कि हेयर कलर हम किस किस तरह का मिल सकता है हमको। जो हिना होती है, पहली तो जो एप्लॉम का हिना है ये कलरिंग प्लस कंडीशनिंग कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा, साथ में आंवला, बीट रूट यानी कि चुकंदर का एक्सट्रैक्ट, हिबिस्कस, कत्था, मेथी और शिकाकाई का कॉम्बिनेशन है। यानी कलरिंग के साथ साथ आपकी बालों को मजबूत बनाने का काम करेगा, स्कैल्प को बेहतर करने का काम करेगा। दूसरा, ये कलर देता है डार्क ऑरेंज। आप सभी जानते हैं जो नेचुरल हिना होगी, जो बिल्कुल नेचुरल होगी, ऑर्गेनिक होगी, वो नेचुरल ब्राउन कलर नहीं देती, वो ऑरेंज कलर देती है, पता है सबको। पर क्योंकि इसमें जो ये मेथी, कत्था, ये सारा कॉम्बिनेशन मिला है, ये आपको अच्छा रिच ब्राउन कलर देती है। अब लोगों का सवाल होता है कि हमें ऑरेंजिश ब्राउन बाल अच्छे नहीं लगते हैं, तो जिनके बालों का कलर ब्लैक है उनके बालों पे अगर आप ब्राउन चढ़ा दो तो वो दूर से दिखता है। तो उसके लिए हमने अल्टरनेटिवली एक प्रोडक्ट और इंट्रोड्यूस किया है जो है इंडिगो, जिसको हम बोलते हैं नील का एक्सट्रैक्ट, नील के पौधे का एक्सट्रैक्ट। यदि आपको डार्क ब्राउन कलर चाहिए, ऑरेंजिश कलर चाहिए, बर्गंडी मैचिंग कलर चाहिए, तो सिर्फ हिना लगा लेंगे आपका काम हो जाएगा। अगर आपको डार्क ब्राउन कलर चाहिए तो आप सिंगल स्टेप में दोनों प्रोडक्ट यूज करके डार्क ब्राउन कलर अटेन कर सकते हैं, जो पर्सनली मैं यूज करती हूँ और लगभग 1.5 सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे पहले मैंने केमिकल कलर 2-3 बार लगाया था, जिसकी वजह से मेरे बाल बहुत ज्यादा तेजी से सफेद हो, लेकिन जब मैंने वो कलर्स 1-2 बार ही लगाया तो मैंने महसूस किया बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, स्कैल्प आगे से जो हेयर लाइन है वो पीछे जाने लग रही थी, बाल बहुत रूखे हो रहे थे। यही एक वजह थी कि मुझे लगा जब मेरे साथ ही प्रॉब्लम आ रही है तो एप्लॉम में लगभग हर इंसान को सेम प्रॉब्लम आ रही होगी। हमने ये न्यू प्रोडक्ट जो कि आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली है, अच्छा कलर देने की क्षमता रखता है। डार्क ब्राउन कलर यदि आपको बनाना है तो 2 चम्मच हिना आप रात में प्लेन वाटर में भिगोइए। इसमें कुछ भी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि होता है कई बार लोग दही ऐड कर देते हैं, कई बार लोग विनेगर ऐड कर देते हैं, नींबू ऐड कर देते हैं, क्या होता है यदि आपको सिर्फ कंडीशनिंग के लिए लगाना है तब तो आप कुछ भी मिला लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब आप कलर की बात करिए तो जो नींबू होता है वो कलर हल्का करने का काम करता है। हम लोग को जब कहीं से कलर छुड़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, नींबू घिस लेते हैं, राइट। इसी तरीके से और जो भी कॉम्बिनेशन आप अलग से डालेंगे वो इसको ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा। इसलिए इसमें कुछ भी मत मिलाइए, इसमें जितना कुछ मिलाना था, जितना कुछ मिल के कलर अच्छा आ सकता था, हमने ऑलरेडी मिला दिया है। आपको इसको नॉर्मल वाटर, रूम टेम्परेचर के वाटर, गुनगुना भी करने की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर के वाटर पे आपको 2 चम्मच हिना पाउडर रात में, सपोज करिए नॉर्मल लेंथ के बाल हैं या जितने भी लेंथ के बाल हो उस हिसाब से आप आधा हिना पाउडर रात में भिगो दीजिए। मैंने कल रात में भिगोया था, ये अभी सिर्फ हिना पाउडर भिगोया हुआ है। अगले दिन सुबह उसमें आप उतनी ही क्वांटिटी का इंडिगो पाउडर मिलाइए और बिना रखे हुए, बिना उसको रेस्ट कराए तुरंत बालों में लगा लीजिए और उसको 1 से लेकर 1.5 घंटे तक बालों में रहने दीजिए। सादे पानी से उसको आप धो लीजिए, उसके बाद जो कलर आएगा वो होगा डार्क ब्राउन कलर। और 24 घंटे हम लोग कहते हैं ना रात में तेल लगा लेंगे, तेल में आप कुछ भी मत लगाइए, क्योंकि जो हिना इंडिगो होता है ना 24 घंटे में धीरे धीरे कलर चढ़ाता है। जब आप उसको धुल लेंगे नॉर्मल सादे टैप वाटर से तो अगले दिन 24 से 48 घंटे का वो टाइम होता है जिसमें इसका कलर इंटेंसिफाई होता है और रुकता है बालों में। ये मेरा पर्सनली ट्राइड है इसलिए आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ। तो ऐसा करके आपको डार्क ब्राउन कलर विद अ वेरी गुड टेक्सचर मिलेगा। यदि आपको ब्लैक कलर चाहिए तो आपको 2-स्टेप प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। वो 2-स्टेप प्रोसेस ऐसा होगा कि आपने एक दिन हिना लगाया, रात में भिगोया, अगले दिन हिना लगाया, 2 घंटा रखा, वॉश कर दिया, अगले दिन आप नॉर्मल इंडिगो पाउडर का पेस्ट बनाइए और हिना डाइट ऑरेंज कलर जब भी वॉयलेट कलर के साथ मिलता है तो कलर क्या देता है, ऑलमोस्ट ब्लैक। सभी समझते हैं?
ये देता है ऑरेंजिश ब्राउन कलर, ये देता है वॉयलेट कलर। इसका कलर बहुत इंटेंसिफाइड नहीं होता है, इसीलिए जब ये ऑरेंज के साथ ये कलर मिलता है तो कलर देता है आपके बालों को ब्लैकिश कलर, राइट। तो अगले दिन आप बालों में इंडिगो का पेस्ट लगाइए, 45 मिनट तक रखिए, उसके बाद बालों को धुल दीजिए। आप देखेंगे कि आपके बाल बिल्कुल नेचुरली ब्राउन टू ब्लैक कलर आपको मिलेंगे। दूसरी बात, जो कवरेज है एक दिन में नहीं आती, जब आप उसको रेगुलर करना शुरू करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, आप केमिकल कलर लगाना नहीं चाहेंगे, बालों की क्वालिटी बहुत इंप्रूव होगी, बालों का कलर नेचुरल आएगा, डाइड बाल जिनको यहाँ यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिखता है वो सब दिखना बंद हो जाएगा। दूसरी बात, यदि आपकी उम्र 40 से ऊपर है और आपके व्हाइट बाल आ रहे हैं, ग्रे बाल आ रहे हैं, तो ट्राई टू फ्लॉन्ट इट, उसको पूरी तरह से छुपाने का प्रयास मत करिए, क्योंकि अगर आप उसके लिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बालों को बहुत नुकसान कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है कि आपको ये लगता है कि दोबारा कब अप्लाई करना है, कायदे से फुल एप्लीकेशन आप एक महीने बाद भी करेंगे तो चलेगा, पर केमिकल कलर में भी वीकली टचअप की, 10 दिन में टचअप की जरूरत पड़ती है, पड़ती है कि नहीं पड़ती, जब आप केमिकल कलर लगाते हैं तो एक हफ्ते बाद, चार दिन अगर बाल आप ज्यादा वॉश कर रहे हैं, सर से नहा रहे हैं, तो चार दिन में आपके नीचे से जो नए बाल निकलते हैं उनमें कलर नहीं आता, वो व्हाइट निकलते हैं। तो इसके लिए आप वीकली या 10 दिन में एक बार टचअप कर सकते हैं, टचअप करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाल शैम्पू अगर है ऑलरेडी तो थोड़ा सा पेस्ट बनाकर आपने रूट्स रूट्स में लगा लिया तो आपके बाल लॉन्ग टाइम तक कलर्ड रहेंगे। ये जब तक आपकी गर्मियां हैं तब तक तो आपके लिए फुल फ्लैश आप इसे यूज कर सकते हैं। इसी कॉम्बिनेशन में अगर आप लॉन्ग का इस्तेमाल करें, हल्का सा तवे पर भून कर लौंग डाल देंगे इसमें, तो जो सर्दी लगने की प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं आती हिना के साथ में।